हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6:45। उठे हम हुए हैं 4:30 बजे से और टैक्सी हमारी आ चुकी है बाहर, और बस अब सामान बाहर ले जाना है और फिर हमारा ट्रिप शुरू होगा टू दी बागरा बागडोगरा एयरपोर्ट। और ये बाहर कुछ यहाँ पे डॉगीज दिख रहे हैं। सुबह जल्दी निकलना था तो हमने रात में ही चेकआउट कर लिया था। अपना जो बिल था वो सब रात में ही क्लियर कर दिया था। तो अभी जब हम सुबह अभी निकले हैं तो होटल का कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। क्या गंजूलामा? नहीं, मेरे ख्याल से वैसे ही होगा, कुछ स्पिरिचुअल उस पर वैसे रखा होगा यहाँ के लोकल उस नाम पे। ब्लैक कैट म्यूजियम भी है यहाँ पे। हाँ, देखा भी हुआ लैंडस्लाइड पहले? ये तो ऐसे हर चल साल ही होता है, मतलब ये सिंकिंग जोन है ना। अच्छा, सिंकिंग जोन है। अरे नीचे कूड़े का वो है। गाड़ी में भी हम थोड़ा तेल भरवाने के लिए रुके हुए हैं क्योंकि डी जल ही जीरो बंगाल और उसका सिक्किम का। कैलिफोर्निया इज 36 एंड सिलीगुड़ी इज 76। इतना सुंदर रास्ता है ना, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ ऊंचे ऊंचे। ओए पानी भरा हुआ है यहाँ। देखिए जंगल वाला एरिया शुरू हो गया क्या? पानी भरा है सड़क पे, रिवर के ऊपर पूरा ऐसा मिस्ट छाया हुआ है कि कई कई जगह पे तो ऐसा है कि नदी नजर ही नहीं आती, बस मिस्ट ही मिस्ट दिखती है। सर, टाइम इस वक्त हो रहा है सुबह 7:53 और अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे लीला मणि फैमिली रेस्टोरेंट, क्योंकि सुबह से जब से चले हैं तब से कुछ खाया पिया नहीं है और बहुत भूख लग रही है। और अभी थोड़ा टाइम है हमारे को भी पहुँचने में, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1.5 घंटा और बचा है एयरपोर्ट पहुँचने में। ब्रेकफास्ट करके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया टूवर्ड द एयरपोर्ट अगेन। फिर टूट के गिरा पड़ा है और रेलवे क्रॉसिंग में अभी रुके हुए हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही ट्रेन आती होगी भूली भटकी यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ तक की ट्रेन आती है? यहाँ गुवाहाटी होगा यहाँ से गुवाहाटी। जी 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 एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम गैंगटॉक और एयरपोर्ट जैसे 15 किलोमीटर रह जाता है तो वो स्ट्रेच बहुत ही बेकार है। मतलब एक सिंगल रोड है और उसी पे सारा ट्रैफिक है। सो जब भी आप अगर आते हो तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा हुआ है बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो अभी, तो जस्ट कीप इन माइंड इस ट्रैफिक वाले स्ट्रेच का। चलो जी, पहुंच गए बागडोगरा एयरपोर्ट। सो फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट एंड वेट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट के अनाउंसमेंट के लिए। खैर अभी तो खैर टाइम है बट ठीक है, अब बैठे हैं बोर हो रहे हैं क्या करें। चलो जी, फाइनली बैक इन दिल्ली। अब जा रहे हैं लगेज लेने ऑन द बेल्ट। फ्लाइट जिस गेट पे आके लगी थी वहाँ से कम नहीं तो 200 किलोमीटर दूर तो है, क्योंकि तो बहुत देर हो गई यार चलते हुए, आ ही नहीं रही। व्यान, वेयर इज बेल्ट नंबर टू? देयर इट इज, कम आई विल शो यू। God
क्या जबरदस्त बारिश हुई है। वेलकम टू गुड़गांव। फाइनली बैक होम। सुबह 4:30 बजे के उठे हुए और अब कितना बज रहा है, 5:50। शाम के 5:50 हो रहे हैं, बैक होम। सो फाइनली द ट्रिप कम्स टू एन एंड और वापस आ चुके हैं हम ह्यूमिड वेदर में। बट थैंकफुली जब हम लैंड किए हैं उसके बाद, मतलब उससे पहले ही जस्ट बहुत हैवी रेन्स हुए थे दिल्ली में, तो अभी तो खैर वेदर जो है वो प्लेजेंट है। सो यार ओवरऑल ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा, इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। आई मीन नो ऑफेंस टू उत्तराखंड एंड हिमाचल माउंटेन्स, बट यार मतलब जो ब्यूटी मेरे को सिक्किम में देखने को मिली, आई एम श्योर इससे भी बहुत अच्छी जगहें होंगी, बट मैंने वो शायद नहीं देखी हैं। सो आगे आने वाले ट्रिप्स में मैं और भी एक्सप्लोर करूँगा नई नई जगहों को और देखूँगा कि मतलब एज़ कम्पेयर टू वॉट आई हैव सीन इन दिस ट्रिप, एज़ इसके कंपेरिजन में क्या और मेरे को और खूबसूरत देखने को मिलता है। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में। टिल देन बाय बाय।